अब वो कौन सी नई बात करने जा रहे हैं, हमारी सरकार पहले भी दे चुकी है, वो 25 की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी सरकार दे चुकी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता को लोक लुभावन वादे और नारे नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। आज हमारी सरकार प्रदेश के चारों कोने पर विकास की एक नई बिहार बहा रही है। वहीं पर दो दर्जन की कल्याणकारी, दो दर्जन से भी ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम एक एक घर तक पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता देख रही है कि कौन उसके लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। अगर उस कसौटी पर अगर परखा जाएगा तो मोदी सरकार होगी और योगी सरकार होगी। आपके पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह, उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश को जो शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेगा उसके लिए शमशान घाट तैयार है। इस बयान को लेकर काफी टिप्पणी की जा रही है, तो इस तरह के बयान देखिए, हमारे पार्टी के नेता हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इनकी बात का ही संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के तमाम तुनक मिजाजी लोग हर पार्टी में होते हैं, जो अनाप शनाप बयानबाजी करने के आदि हैं, उसको कभी भी गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ हमारी सरकारें काम कर रही हैं और हम सभी के सम्मान के पक्षधर हैं। 400 सीट अखिलेश जी कह रहे हैं, आप कितना कह रहे हैं? अब लगता है 400 पार कह रहे हैं। अब लगता है कि अगर हवा में ही बयानबाजी करनी है तो 500 भी कह सकते हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है मुझ पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विकास के काम पर और कल्याणकारी योजना के नाम पर अभी भी 331 से ऊपर आएंगे, जीत का डंका बजेगा 331 से ऊपर। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। Yeah.